जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो कंप्लीट देखिएगा। आप लोगों को दावा के साथ बोलता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते दोस्तों, आप लोग के मैथ में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा और मैथ में आप 30 out of 30 लाने के जग जरूर बन जाएंगे। दोस्तों, मैथ में अगर कुछ भी नहीं आता है, ठीक है ना, अगर आप जीरो हो, मैथ में जीरो हो, ठीक है, एक प्रकार का जीरो हो, शून्य हो, तो फिर भी आप जो है हाई लेवल तक पहुँच सकते हैं, इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप में कुछ भी टैलेंट नहीं है, फिर भी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। कंप्लीट देखिएगा, पूरा बेसिक बताऊंगा दोस्तों, पूरा बेसिक एकदम पूरा निचोर में बताने वाला हूं दोस्तों। ये हमारा DPP 1 है। DPP 1 मतलब क्या है सर? तो DPP का 1 मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का क्लास नंबर 1 है, ठीक है, क्लास नंबर 1 है दोस्तों। आप लोगों को ये भेज दिया जाएगा। 2 नंबर जो DPP होगा जो मैं भेज दूँगा आप लोगों को, 3 नंबर DPP भेज दूंगा आप लोगों को, है ना, इसी प्रकार से 4 नंबर DPP भेज दूंगा आप लोगों को। सिर्फ आपको पढ़ना है, वहां पर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, किसी DPP में 10 क्वेश्चंस रहेंगे तो किसी DPP में आप लोग का 15 क्वेश्चंस रहेंगे, तो किसी में आप लोग के पास 20 क्वेश्चंस रहेंगे, तो किसी में 30 क्वेश्चंस रहेंगे। इस प्रकार से हमारा DPP तैयार किया गया है, एक प्रकार का मॉडल सेट बोल लीजिए, मॉडल सेट बोल सकते हैं, जहाँ से आपको यहाँ से पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का रहने वाला है। बच्चों दोस्तों, ये तैयार किया गया है आप लोगों के PYQs को देख करके, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस को देख करके। पिछले साल जो क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए थे, यानी कि 2022 में जो क्वेश्चंस हुआ था, तो 2022 के क्वेश्चंस पेपर को देखते हुए आप लोगों का ये डिज़ाइन किया गया है, ताकि एग्ज़ाम में एक भी सवाल गलत ना करके आए, आप 30 out of 30 लाने के यज्ञ जरूर बन जाए, ठीक है। ये था इसका मोटिव। तो आई होप कि ये बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके पास क्या बोला है, देख लीजिए। ये आप लोग के पास PYQs में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मैंने कंप्लीट मैथमेटिक्स के कंप्लीट सॉल्व करवा दिया था, और आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आप लोग एक चीज़ बता दूँ कि आप लोग अगर साइंस के सोल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट देखने को मिलते हैं तो मैं PYQ कल परसों के बीचों बीच आप लोग को साइंस का सॉल्व करवा दूँगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट देखने को मिलते हैं तो, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अगर आप लोग करते हैं, कम से कम आप लोग का हम देखना चाहते हैं, अगर इसी वीडियो के अंदर 50+ लाइक्स एंड कम से कम 20+ कमेंट्स, ठीक है, 20+ कमेंट अगर देखने को मिलते हैं, अगर कमेंट है ना, कमेंट देखने को मिलते हैं और 50+ लाइक्स देखने को मिलते हैं, तो आपके डिमांड को ज़रूर पूरा किया जाएगा बच्चों, आपकी डिमांड को फुलफिल किया जाएगा। इन दोनों को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए 100% गारंटी दूंगा कि आप लोगों के बीच में हम साइंस का सॉल्यूशन जरूर से जरूर लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होगा तो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट एंड 50+ लाइक्स अगर देखने को मिलता है तो। बच्चों, ये आप लोगों की बारी है, आप कैसे पूरा करेंगे वो आप लोग सोचो, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को बोलो कि सर लाइक कर दीजिए, है ना, आप लोग के लिए ही फ़ायदा है, मेरे लिए कुछ नहीं है, है ना, सिर्फ मैं आप लोगों की खातिर ही हूँ, सिर्फ सपोर्ट आपका देखना चाहता हूँ बस, है ना। तो चलिए, जो भी ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या है कि 2x है और प्लस में क्या 5 है और बटे में है 3, है ना, और इधर ये जो है ना -5x है, ठीक है ना, ये -5x है, ठीक है, फिर इधर बटे में क्या है, माइनस का 5x और प्लस में है 2, प्लस में है 2 और नीचे आप लोग के पास कितना है, तो नीचे आपके पास कितना दिया हुआ है बच्चों, एक मिनट, इसको हम अच्छे तरीके से कर देते हैं, ठीक है, ये नीचे 7, ठीक है ना। तो इसका भी मैंने कंप्लीट जो ट्रिक होता है, ठीक है ना, ट्रिक को पकड़ोगे तो ही बना पाओगे, है ना, इसका जो ये जो आप लोग देख पा रहे हैं इसके, इस क्वेश्चन का, इस तरह के प्रॉब्लम का मैंने ट्रिक आपको ऑलरेडी बता रखा है, कंसेप्ट ऑलरेडी बता रखा है कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना, सॉल्व करने का तरीका मैंने बता रखा है दोस्तों, आप लोग जा करके देख सकते हैं। इसका तरीका हुआ, जब भी इस तरह करेगा तो इसके साथ ये गुना, इसके साथ ये गुना कर देनी है, कैसे करेंगे सर समझ में नहीं आया। देखो, ये जो 7 है ना, ये जो 7 देख रहे हैं, इसकी गुना एक बार इसके साथ करना है, और ये जो 7 है एक बार इसके साथ इसकी गुना करना है, यानी कि दोनों का गुना करना है बच्चों, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसके साथ ये एक बार गुना करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर सिंपल हो जाएगा दोस्तों, 7 × 2 = 14 यहाँ पर हो जाएगा x, ठीक है ना, फिर इसके साथ ये गुना प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 35, ठीक है, प्लस में हो जाएगा 35, फिर इक्वल कर देंगे इसके साथ ये गुना, तो ये हो जाएगा माइनस का 3×5 = 15x, ठीक है, माइनस का 15x हो गया, इसके साथ ये गुना कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा 3×2 = 6, प्लस का 3×2 = 6। आई होप की बातें समझ में आ गई होंगी, आई होप एंड बिलीव कि क्लियर हो गए होंगे, क्रिस्टल क्लियर अभी तक
हो गई होंगी बच्चों। यहाँ पर माइनस क्यों हुआ सर, तो मैं बताता हूँ, ये भी वैसे कि यहाँ पर प्लस का 3 है और ये है माइनस का 3, तो आप लोग जानते हैं कंसेप्ट, अगर प्लस और प्लस रहता है तो हो जाता है क्या, वो हो जाता है प्लस, अगर प्लस और माइनस रहता है वो भी हो जाता है माइनस, अगर माइनस प्लस रहता है फिर भी हो जाता है माइनस, माइनस माइनस रहता है तो हो जाता है क्या प्लस। इससे और कितना बेसिक मैं बताऊं दोस्तों, ये आप लोग बताओ, है ना, इतना बेसिक आपको कोई भी नहीं बताएगा, इतना बेसिक आपको कोई भी नहीं बताएगा, इसीलिए हम बेसिक से चलते हैं, क्योंकि आप हो सकते हैं कि एक विद्यार्थी हो सकता है कि बहुत टैलेंटेड हो, एक हो सकता है कि इतना टैलेंटेड हो, एक हो सकता है कि इतना टैलेंटेड हो, तो इनको भी समझ में आना चाहिए, इसको भी समझ में आना चाहिए, इसको भी समझ में आना चाहिए, इस कारण से हम पूरा बेसिक से लेकर चल रहे हैं बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप ध्यान से देखें, हम एक्स को कर रहे हैं इस साइड और बराबर की इस साइड कर रहे हैं संख्या को, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए इधर है 14, इधर है एक्स, ठीक है, ये देखो माइनस का 15x है, बराबर की साइड आएगा। आप लोग ये चीज़ भी जान लीजिए, ट्रिक भी जान लीजिए, बराबर है मान लीजिए, यहाँ पर कोई पॉजिटिव संख्या है, ठीक है ना, पॉजिटिव संख्या जब बराबर की साइड में आता है तो ये माइनस हो जाता है बच्चों। और एक चीज़ कंसेप्ट होता है कि अगर यहाँ पर माइनस रहेगा, है ना, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए माइनस है तो मैंने बराबर की साइड आएगा तो क्या बनेगा, तो वो प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो प्लस का इधर 15x हो गया, है ना। इसी प्रकार से इधर देखो प्लस का 6 है तो ये मैं एज इट इज रखूँगा, है ना। इधर देखो प्लस का 35, इधर जा करके माइनस का 35 हो जाएगा, है ना। इस ट्रिक को याद रखना, ठीक है ना। ये यहाँ पर साइड साइड में जो ट्रिक वगैरह लिखाते जा रहा हूँ ये आप लोग कॉपी पर जरूर लिखिएगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इसको अगर देखोगे तो इसको जोड़ोगे तो ये 29x आ जाएगा, इसको अगर घटाओगे तो माइनस का 29x आ जाए 29 आ जाएगा, और एक जब निकालोगे तो माइनस का 29 और बटे में 29, ठीक है ना। तो 29 से 29 कट जाएगा तो आपके पास बचेगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप भी ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गए होंगे बच्चों। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये इंग्लिश के लिए मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश के लिए भी परेशान हो रहे होंगे अगर आप, तो लिखना होगा इंग्लिश के लिए, मैं आपको बता दूं, है ना। हड़बड़ी में आप लोगों से मैं बता देता मतलब अच्छे से तरीके से बता देना चाहता हूं कि हड़बड़ी में कुछ आप गलत ना करो, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां पर लिखेंगे 2x प्लस में 5 प्लस बटे 3 इक्वल हो जाएगा माइनस का 5x, इधर हो गया x, ठीक है ना, और प्लस में 2 बटे में 7, ठीक है ना। ये हो जाएगा इंग्लिश से क्वेश्चन, आई होप ये भी आप लोगों ने लिख लिए होंगे, ठीक है ना। मैं पहले बोलना भूल गई इसलिए माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इंग्लिश से लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ, यानी कि मान ज्ञात करें, यहाँ पर देखो बहुत आसान है, 2/5 और इक्वल है 1/3 के, तो इस तरह का प्रॉब्लम, इसके साथ ये गुना, इसके साथ ये गुना बच्चों, तो इसके साथ ये गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5x आ जाएगा, और इसके साथ ये गुना तो 3×2 6 हो जाएगा। तो एक्स जब निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 6/5 क्या हो जाएगा, जब एक्स निकालोगे तो एक्स 6/5 हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट जी, 6/5 हो जाएगा, ठीक है, यही करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर इंग्लिश से भी अगर लिखना चाहते हैं, आकृति का मतलब क्या होता है, आप लोग खुद बोले आकृति मतलब फिगर, है ना। फिगर में जो है एक्स का क्या निकालना है दोस्तों, वैल्यू निकालना है, एक्स का मान निकालना है, ठीक है ना, इसका मान ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, आकृति में यानी कि इन फिगर, है ना, इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो याद रखिएगा मैं कंसेप्ट जो बताते जा रहा हूँ ये आप लोग लिखिएगा जरूर, ठीक है ना। ये देखो अंदर एक ठो त्रिभुज इस प्रकार से मान लीजिए, है ना, त्रिभुज इस प्रकार से, अंदर में अगर कोण दिया रहे हैं और एक ठो का मान निकालने के लिए बोले, तो इसका कंसेप्ट होता है जो भी भीतर में रहेगा इसका योग, प्लस में ये रहेगा तो इसका योग, प्लस ये रहेगा तो इसका योग, ठीक है ना। त्रिभुज में तीन ही कोण होता है, तो तीन कोणों का योग जो है 180 डिग्री के इक्वल कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर अगर क्वेश्चंस इस तरह से भी रह सकते हैं बच्चों, क्वेश्चंस यू ही रह सकता है कि ऐसे दे देगा, है ना, ऐसे दे सकता है कि अंदर की जगह बाहर में रहे, ये बाहर में रहेगा और एक वो एक्स रहेगा, तो इसके लिए क्या करना होगा ये भी अभी हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। इसकी हम जो ट्रिक है इसका जो हम अभी जो है पोस्टमार्टम करने वाले हैं, उससे पहले इसका हम पोस्टमार्टम कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको बता दी हैं, है ना। देखो इस चैनल से मैथ पढ़ने का मजा ही अलग होता है, अगर आप शुरू से मेरे मैथ के क्लास को देख रहे हैं तो आपको एक एक क्वेश्चंस, एक एक चीज़ हलवा लगेंगे। ये हमारा क्लास नंबर शायद बहुत सारे हो गए हैं, बेसिकली बहुत सारे क्लास दे दिए हैं, ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्लास हम देते रहेंगे। और ये DPP का नंबर 1 है, ठीक है ना, ये DPP यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का क्लास नंबर 1 है। लेकिन लेकिन अगर वीडियो के माध्यम से देखा जाए तो वीडियो आप लोगों को कई हम दे चुके हैं, है ना। मैथ में आप 30 out of 30 लाने की हर एक कंसेप्ट, हर एक फार्मूला, हर एक चीज़ आप लोग इस चैनल पर मौजूद है, आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं, है ना। तो आप लोग के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ मैंने साइंस का बहुत कम वीडियो दिया है,
तो साइंस का भी अगर आपका डिमांड है तो कमेंट कर दीजिएगा, साइंस का भी हम बहुत जल्द आप लोग के लिए ला रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों, ठीक है। तो देखिए बेसिकली हम मैथ के क्षेत्र में है इसलिए मैथ हम ज़्यादा बताते हैं, है ना, साइंस भी बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। साइंस के अगर टॉपिक देखेंगे तो एक वीडियो में हम टॉपिक भी बता देंगे बच्चों। तो इसे अंदर वाला है ना, तो त्रिभुज के ये जो अंदर अगर रहेगा, अंदर रहेगा तो 180 डिग्री करना है। इसका नाम देते हैं बच्चों ए, नाम दे देते हैं आप, पी क्यू आर कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी मैंने दे दिया। तो एंगल ऑफ ए प्लस में हो जाएगा एंगल ऑफ बी प्लस में हो जाएगा एंगल ऑफ सी, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए कितना है तो 30 डिग्री है सर, एंगल बी कितना है तो 20 डिग्री है सर, एंगल सी कितना है तो एंगल सी आपके पास एक्स है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री के, ये हो जाएगा क्या 60 हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा 180 डिग्री के, ठीक है। फिर एक्स जब निकालेंगे तो सॉरी 60 नहीं, ये एक मिनट माफ़ कीजिएगा बच्चों, है ना, अभी दिक्कत हो जाता है ना अगर अच्छे तरीके से नहीं देखते तो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसको अगर देखोगे तो ये 50 हो जाएगा, क्योंकि क्यों देखो 50 हो रहा है ना बच्चों, आप लोग थोड़ा सा देखो, है ना, ये 30 और 20 कितना होता है 50 ही तो होता है नहीं बच्चों। तो यहाँ पर क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस में 50 कर देंगे, ठीक है। तो ये निकल कर कितना आ जाएगा, तो ये 30 डिग्री निकल कर सॉरी 130 डिग्री, ठीक है ना, 130 डिग्री निकल कर आ जाएगा। तो यहीं आपके पास करेक्ट एंड सटीक उत्तर हो जाएगा। आई होप एंड बिलीव कि ये भी क्वेश्चंस आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो अगर आप लोगों को हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है तो नीचे आप लोगों के बॉक्स में जो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन है इसमें एक एक विद्यार्थी कमेंट करेंगे तो जो है आप लोगों के लिए मैं समझ जाऊंगा कि हाँ समझ में आ रहा है। और बच्चों मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता दूँ कि पी वाई क्यू की बात करें तो इसमें मैंने जो है मैंने मैथमेटिक्स का सॉल्व करवा दिया है, मैथमेटिक्स का मैंने सॉल्व क्लियर करवा दिया है, सिर्फ यहाँ पर बचा है साइंस का, ठीक है, साइंस का जीके का भी मिला देंगे, है ना, और एसएसटी का बचा हुआ है, फिर आपके पास बचा हुआ है क्या जीके का। तो अगर आपका यहाँ पर इस वीडियो के नीचे, है ना, आपको क्या करना है बच्चों, इसी वीडियो के नीचे कमेंट तो पहली बार तो ये करना ही करना है, कम से कम 20 प्लस अगर कमेंट आते हैं एंड 50 इसी वीडियो में लाइक्स देखने को मिलते हैं, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, 50 लाइक्स देखने को मिलते हैं तो आप लोगों के लिए हम जल्द ला रहे हैं इन सभी पी वाई क्यू का वीडियो। ये हो सकता है कि मैं एक साथ दूं, हो सकता है कि मैं एक एक करके दूं, तो जल्दी से पीछे ना रहे हैं, एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, अगर आप एक लाइक कर देंगे सिर्फ मैं आपकी सपोर्ट देखना चाहता हूं बच्चों, आप लोगों की जीत देखना चाहता हूँ, एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम बहुत जल्दी उसको लाएंगे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसे इंग्लिश से मैं बता देते हैं, फाइंड द इनवर्स 7/2 विल बी, ठीक है, इसका इनवर्स क्या होगा, ठीक है ना। तो इसकी इनवर्स की बात करें तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 7/2 है, तो इसका कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी बता रखा है, 2 को ऊपर भेज दो और 7 को नीचे भेज दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 को ऊपर भेज देंगे तो 2 ऊपर में हो गया, 7 को नीचे भेज दो तो 7 नीचे कर दिए, तो यहीं आपके पास करेक्ट एंड सटीक उत्तर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। जैसे मैं ओदर एग्जांपल दूं अगर आपको याद रखिएगा, जैसे मान लो 5/7 लिया, ठीक है ना, तो 7 को ऊपर 5 को नीचे, तो 7 ऊपर हो गया 5 नीचे हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको करने हैं, किसी भी प्रॉब्लम लगे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा बेसिक से बताऊँगा, एकदम बेसिक, ठीक है ना, ये क्लास एकदम बेसिक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा, दो हर जो हर में रहेगा उसे ऊपर भेजो और 7 नीचे भेजो, बस यही होता है कंसेप्ट इसका, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम तक हम आपकी हेल्प हमेशा करते रहेंगे, कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन 6/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बोला है, तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में, क्या था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 6/3 है, इसको कितना से गुना करेंगे कि आपका प्राप्त हो 1, ठीक है, कितना इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका जो है प्राप्त होगा कितना, 1 प्राप्त होगा, तो कितना से गुना करेंगे ये बताना है। तो अगर हम 3/6 से गुना कर दें तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो 3 से 3 ख़त्म, 6 से 6 ख़त्म, तो आपके पास बचा 1, है ना, तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर 1 नहीं हुआ, करेक्ट आंसर 3/6 हुआ, ठीक है ना। तो ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है ना, ऑप्शन में दिया रहेगा 3/6, ऑप्शन बी में रहेगा 9/6, ठीक है, फिर ऑप्शन सी में दिया रहेगा 6/3, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना, ये मैंने बताने की कोशिश की।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि कौन परिमेय है, है ना। परिमेय जिसे क्या बोलते हैं, परिमेय किसे बोलते हैं बच्चों, तो परिमेय संख्या वो होता है जिसे पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि हर कभी भी जीरो ना हो, इसको आप लोग प्रयास कीजिएगा बच्चों। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, है ना बच्चों। तो इसको अगर देखोगे तो यहाँ पर कितना है कि दो बटे में तीन है, और अपरिमेय संख्या वो होता है जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसको अगर देखोगे तो इसे हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू देखिए क्यू हमारा जीरो यहाँ पर नहीं है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन आशी का 20% है ना, यहाँ पर क्या है 80 का 20% निकालना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिख लीजिए फाइंड द वैल्यू इज, है ना, क्या है 80 ऑफ 20%, ये चीज़ दिया गया है। ऑफ मतलब क्या, गुना। तो क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए, क्या करेंगे तो 80 लिखेंगे एज इट इज, ऑफ मतलब होता है गुना, यानी कि का मतलब होता है गुना, और 20 एज इट इज, जब पर्सन हटाते हैं इसको, जब हटा देते हैं तो नीचे आ जाता है 100। सभी लोगों को पता है एक शून्य दो शून्य खत्म, ये से दो शून्य खत्म, तो 8 × 2 = 16 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि एक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोला है, यहाँ पर क्यूब रूट के लिए पूछा है ना बच्चों। तो क्यूब रूट मैं बता देता हूँ, क्यूब रूट क्या होता है दोस्तों। रूट के अंदर अगर मान लो, मैं आपको दिखा दूँ अभी एक पल के लिए, जैसे मान लो यहाँ पर तीन गुना में तीन है, तो यहाँ पर एक गो तीन बाहर निकल जाएगी। इसमें कोई भी रहे, कोई भी संख्या, यहाँ पर कोई संख्या रहे फिर अलग कोई मतलब सेम संख्या हो, है ना, सब कुछ सेम संख्या हो, ठीक है, तो एक गो चीज़ें बाहर निकल जाती है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और वहीं वर्गमूल की बात करें तो दो गो में एक गो बाहर निकलता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 27/8 इसका क्या करना है, घनमूल करना है, ठीक है ना। तो घनमूल करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, यानी कि 3 × 3 कर दिए, है ना, 3 × 3 कर दिए, और 8 को 2 × 2 कर दिए, है ना। तो यहाँ से देखो एक को 3 निकल, ये 9 नहीं है 3 है बच्चों, है ना। अगर आप लोगों को अलग अलग ला है तो मैं आपको लिख देता हूँ अच्छे तरीके से, है ना। तो यहाँ से एक को 3 बाहर निकल गए, यहाँ से 2 बाहर निकल गए, यानी कि 3/2 करेक्ट सटीक उत्तर हो जाएगा, इस चीज़ को भी याद रखेंगे बच्चों, है ना। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, है ना। चलिए बात करते हैं अगले, ये दोस्तों आप लोग खुद बताओगे, यहाँ पर 1728 है ना, 1764 होगा शायद, ठीक है ना। खैर आप लोग ये भी करके देखना, है ना, इसको करने का तरीका बता देते हैं। जो 1728 जो है, इसको इस प्रकार से जितने संख्या से जाएगा आप लोग चलाते जाइएगा, और अंत में आप लोग लिखेंगे कि 1728 इक्वल इतना गुना इतना। तो देखेंगे अगर 3 गो कोई चीज़ रहता है तो वो बाहर निकलेगा, अगर कोई नहीं रहता वो रूट में रह जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका आंसर कमेंट करके बताओगे। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे आकाश अकेडमी पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ, देख लीजिए क्या है, 250 का वर्गमूल। देखो इसे आप दो तरीके से निकाल सकते हो, इसे आप भाग विधि से भी निकाल सकते हो, जिसे चाहते हो कि भाग में कर सकते हो, है ना, भाग विधि से कर सकते हो, भाग मेथड, है ना, भाग विधि से कर सकते हो, एंड आप लोग इसे जो है कि कैसे कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड से कर सकते हो। तो मैं आसान तरीका अभाज्य गुणनखंड से बता देता हूँ, नहीं बच्चों, जिसको देखिए सबसे पहले 200 चलाइए, है ना, या फिर हाँ 200 तो चल जाएगा भाई, है ना, या फिर देखो, है ना। तो यहाँ पर 2 × 1 = 2 हो गया, फिर 2 × 2 = 4 हो गया। अगर नहीं इस प्रकार से कर पा रहे हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाग करके, ठीक है ना। अभी ये और संख्या हो गई, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 250 है, आप लोग भाग जानते हो कि नहीं, तो 2 × 2 = 2 से खत्म हो गया, 5 आया तो 2 × 2 = 4 हो गया, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर 1 आया 10 हो गया, तो 5 × 2 = 10, ठीक है ना, तो इधर 5 आ गया बच्चों, है ना। फिर आप इसे क्या करेंगे, इसे आप सिंपल कितने से चलाएंगे बोलिए, है ना, इसे आप चला सकते हैं 5 से चला दीजिए, है ना, देखते क्या होता है, 5 × 2 = 10 हो गया, तो देखूंगा यहाँ पर 5 × 2 = 10 हो गया, तो आप लोगों के पास क्या होगा, सिंपल मैं आपको भाग करके दिखा देता हूँ। देखो 5 × 2 = 10 हो गया, तो 2 आ गया, 5 इधर आ गया, 5 × 5 = 25, है ना, तो 25 हो गया। फिर 5 से चलाओगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर 5 × 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर देखोगे तो 250 में कितना आ गया बोलो, 2 × 5 × 5 × 5, ठीक है। देखो 2 × 5 है, 2 × 5 बाहर, और रूट के अंदर 5 × 2 = 10 हो गया, तो 5√10 इसका करेक्ट आंसर इस प्रकार से आप निकल सकते हैं। तो दोस्तों यही था आकाश अकेडमी पॉइंट की ओर से इम्पोर्टेंट सवाल, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट सवाल पाने के लिए आप हमारे आकाश अकेडमी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं यकीन आपको दिलाता हूँ आप लोग इस चैनल से पढ़ करके 100% गारंटी है, दावा है मेरी कि आप सफलता की और जरूर जरूर पहुँच सकते हैं बच्चों, है ना।
तो आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देना। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कम से कम एक विद्यार्थी को शेयर कर दीजिए बच्चों, है ना। अगर आप किसी का एक का भला करते हैं तो आपका भला ज़रूर होगा दोस्तों, आपका भला ज़रूर होगा, मैं गारंटी देता हूँ आपका भला ज़रूर होगा। तो अपना भला के लिए कम से कम एक भला कर दीजिए तो आपका भला ज़रूर हो जाएगा बच्चों। तो आप लोग शेयर करके उसका भी भला कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट DPP यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का ये था इम्पोर्टेंट सेशन। तो इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल जुड़ना होगा, मैं इसके PDF भी प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। और प्रैक्टिस नंबर 2 का तो PDF आप लोग को दे दूंगा, इसका भी हो सकता है अगर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले तो मैं दे दूँगा बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूँगा। और जैसे कि मैंने बोला कि 50+ लाइक्स करने हैं, 20+ कमेंट्स करने हैं PYQ के रिकॉर्डिंग, तो कम से कम ये ज़रूर कीजिएगा, ये PDF आपको मुफ्त में मिल जाएगा बच्चों, है ना। तो लाइक कम से कम कर दीजिएगा, एक लाइक ठोकने में कुछ नहीं जाता है दोस्तों, है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।